सोलन विधानसभा में दौरे के दूसरे दिन परसदे पर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भाजपा से निष्कासित नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद कौशल ने समर्थकों के साथ मटियारा चौराहे पर स्वागत किया। हम आपको बताएं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री परसदेपुर में ग्रामीण बैंक के पास पहुंची। यहां पर लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया। यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत किए जाने का प्रार्थना पत्र पूर्व चेयरमैन सीपी श्रीवास्तव के द्वारा दिया गया। यहां पर स्मृति ईरानी ने परसदेपुर की अधिशासी अधिकारी निमिषा भारद्वाज की क्लास भी लगा दी। स्मृति ईरानी सभी की समस्याएं सुन रही थी, तभी एक महिला ने आवास के लिए रिकवरी की शिकायत की। स्मृति ईरानी ने अधिशासी अधिकारी को बुलाया तो वह मौके पर उपस्थित नहीं मिली। स्मृति के कहने पर उप जिलाधिकारी विजय कुमार ने जैसे ही फोन मिलाया, स्मृति ईरानी ने फोन पर ही अधिशासी अधिकारी की क्लास लगा दी। यहाँ पे जनता की शिकायत है कि वो काम नहीं करती है, जनता के मध्य में रहकर काम कर लीजिए मैडम, बड़ी कृपा होगी। हम सबकी नौकरी वही है जनता वाली, और ना कर पाए तो बता दीजिए। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सेवा का लाभ किसी ना किसी को मिल जाएगा। हमारे लोग भी मुफ्त में एक्सेस कर रहे हैं। मैम, पहली पोस्टिंग तो मेरी भी है कैबिनेट मंत्री और यहाँ की सांसद के नाते। 15 दिन से आपकी पोस्टिंग हो गई, आप जनता के मध्य में हैं। पहली पोस्टिंग में हाल है, आगे की पोस्टिंग में क्या हाल होगा जनता का। स्मृति ईरानी द्वारा क्लास लगाए जाने के बाद अधिशासी अधिकारी निमिषा भारद्वाज तुरंत ही भागती हुई आई और केंद्रीय मंत्री से मिली। बाद में स्मृति ने महिलाओं से अधिशासी अधिकारी का परिचय कराते हुए कहा कि आवास के लिए यही मैडम है, यही जांच कर सभी को आवास दिलाएंगी। नीरज श्रीवास्तव, S7 न्यूज। यो मैडम का है, यो मैडम बोला हमारा कर रहे हैं। जांच नहीं, जब तक कहा था ना जांच कराना है, वो मैडम ही ऑफिसर है, वो कर रहे हैं जांच। जिसको नाम लिखा नहीं मैडम आई है, सब का नाम लिखाओ, मैडम से तफ्तीश करेंगे, फिर अगर तुम्हारी पात्रता है तो करा देंगे। जो आप पात्र है उसकी जाँच करेंगे, मैडम एक्शन ले लेंगे, ठीक है।